The people of Junagadh were keen to join India and they launched protests for the same against the Nawab of Junagadh. अब जो जूनागढ़ के लोग थे वो इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने जो है नवाब जो थे जूनागढ़ के उनके खिलाफ विरोध कर दिया। रतु भाई अदानी अलोंग विद अदर पीपल एस्टैब्लिश अर्जी हुकूमत। रतु भाई अडानी जो थे उन लोगों के साथ मिलकर अर्जी हुकूमत जो है उसको एस्टैब्लिश किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कंडक्टेड रेफरेंडम एंड डिक्लेयर जूनागढ़ एज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन एज पर द विल ऑफ इट्स पीपल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने एक रेफरेंडम निकाला और फिर ये डिक्लेयर किया कि जूनागढ़ जो है वो इंडियन यूनियन का ही हिस्सा रहेगा क्योंकि लोग जो हैं उसके वो यही चाहते हैं। मिलिट्री एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड इट वाज आल्सो मर्ज्ड इन द इंडियन यूनियन। इसी तरह से मिलिट्री एक्शन निज़ाम जो थे हैदराबाद के उनके खिलाफ लिया गया, फिर वो भी इंडियन यूनियन में मर्ज हो गए। पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर इन 1948 CE एंड द किंग ऑफ कश्मीर महाराजा हरि सिंह ऑफिशियली ज्वाइन द इंडियन यूनियन। अब पाकिस्तान ने जो है कश्मीर पे हमला कर दिया 1948 CE में, तो जो राजा थे उस टाइम पे कश्मीर के महाराजा हरि सिंह उन्होंने फिर ऑफिशियली इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया। ज्योग्राफिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज स्टेट्स ज्वाइन द इंडियन यूनियन। ज्योग्राफिकल तौर पर देखें और एक नीतिक तौर पर देखें नैतिक तौर पर बहुत ज़रूरी था कि ये स्टेट्स जो हैं इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लें। द किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉन्टेड टू गिव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू देयर पीपल। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके राजा ये चाहते थे कि जो हमारी जनता है उसको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिले। इट वॉज एश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड प्रूव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द पीपल। इस बात की सबको तसल्ली करी गई थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट बनेगी वो वाकई में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी सबके लिए। द सेकेंड रीजन टू एग्री टू द मर्जर वॉज दैट पीपल बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रॉपर एजुकेशन। दूसरा कारण क्या था कि ये लोग मैं एग्री क्यों कर गए मर्जर के लिए, क्योंकि लोग जो हैं जागरूक थे अपने अधिकारों को लेकर, क्योंकि सब जो हैं पढ़े लिखे थे। एवरी इंडिविजुअल वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। हर इंसान जो है जो आज़ादी थी उसका मतलब समझ रहा था। ईच वन वॉन्टेड टू बी फ्री एंड डेवलप्ड। हर कोई आज़ाद होना चाहता था, अपने आप को विकसित करना चाहता था। दस द किंग्स एंड देयर पीपल एंटिसिपेटेड डिजायर डेवलपमेंट एंड आफ्टर बीइंग ए पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो जितने भी राजा थे या जो उनके लोग थे उनकी जो एक इच्छा थी डेवलपमेंट की वो तभी हो सकती थी जब वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बने। इट इज़ अ बिग थिंग टू सरेंडर वंस किंगडम एक्सेप्ट फॉर सम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट इंडीड वॉज अ वेरी क्रेडिटेबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द किंग्स ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपना किंगडम जो है उसे सरेंडर कर दे रहे हो कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी लेके, और बहुत बड़ा उन्होंने ये एक्ट किया राजाओं की तरफ से अपने प्रिंसली स्टेट्स के लिए कि उन्होंने इंडियन यूनियन ने एक पूरा एक बना दिया उसे। दिस मर्जर ऑफ 562 प्रिंसली स्टेट्स इज अ हिस्टोरिकल फिनोमिनन नॉट ओनली इन इंडियन बट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो एक 562 प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था, खाली इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री के लिए। इंडिया shall always remain indebted to Sardar Vallabh Bhai Patel and V.P. Menon for fulfilling this mammoth task and securing the unity and integrity of India forever. तो इंडिया जो है हमेशा एक तरह से ऋणी रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का और V.P. Menon का, क्योंकि उन्होंने ये इतना बड़ा टास्क जो है उसको कर दिखाया था और इंडिया की जो एकता और अखंडता है उसे सुरक्षित कर लिया था हमेशा के लिए। Their contribution towards the country was invaluable. और इनका जो योगदान है कंट्री के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। गांधी जी असासिनेशन। इट वॉज ओनली 6 months सिंस इंडिया हैड अटेन्ड इंडिपेंडेंस व्हेन द एंटायर नेशन रिसीव्ड अ वेरी बिग शॉक। अभी 6 महीने ही हुए थे इंडिया को इंडिपेंडेंस पाए हुए, अचानक से पूरे देश को एक बहुत बड़ा झटका मिला। मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर हिट बाय द नास्टी कम्युनल राइट्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टीशन। बहुत सारे देश के ऐसे हिस्से थे जहाँ पर कम्युनल राइट्स हो रहे थे क्योंकि पार्टीशन हुआ था। गांधी जी स्टार्टेड फास्टिंग टू स्टॉप दीज राइट्स। अब गांधी जी ने जो है व्रत करना शुरू कर दिया, फास्ट पे जाना शुरू कर दिया कि ये दंगों को रोको। ही अपील टू द पीपल टू मेंटेन पीस एंड यूनिटी। उन्होंने लोगों से भी अपील करी कि भाई आप शांति बनाए रखें, एकता बनाए रखें। ड्यूरिंग दिस फास्टिंग इन बिरला हाउस वाइल गांधी जी वॉज गोइंग फॉर हिज इवनिंग प्रेयर ऑन 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे शॉट हिम डेड। जिस समय उनका फास्ट चल रहा था बिरला हाउस में और गांधी जी जो है अपनी इवनिंग प्रेयर के लिए जा रहे थे, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जो थे उन्होंने उनको गोली मार दी। द एंटायर नेशन वेंट इनटू डीप ग्रीफ एंड शॉक एज दे हर्ड दिस सैड न्यूज ऑन रेडियो अनाउंस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू।
पूरा नेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दुख में डूब गया और सबको बहुत ज़्यादा शॉक लगा जब ये जो दुखद खबर थी रेडियो पर अनाउंस करी गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ अवर लाइव एंड देर इज डार्कनेस एवरीवेयर। जो उन्होंने बोला वो ये था कि दोस्तों और जो भी मेरे साथी लोग हैं वो सुनो, जो एक ज़िंदगी की हमारी रोशनी थी वो चली गई है और अब हर तरफ अंधेरा है। आई डोंट नॉट नो वॉट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं आपको क्या बताऊं और कैसे कहूं। आवर बिलवड लीडर बापू एज ही कॉल्ड हिम द फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर। हमारे जो सबसे चहेते लीडर थे जिनको हम बापू के भी कह के पुकारते थे, फादर जो थे नेशन के, अब वो नहीं रहे। गांधी जी बिलीव्ड इन यूनिटी अमंग ऑल क्लासेस एंड कम्युनिटीज ऑफ पीपल एंड फॉर दिस ही सेक्रीफाइस हिज होल लाइफ। तो गांधी जी ने जो है हमेशा सारी क्लासेस में एकता रहे उस पर विश्वास किया और यही वो चाहते थे, चाहे कोई भी क्लास हो, कम्युनिटी हो, लोगों की हमेशा वो एक रहे, और इसी की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है इसी में बिता दी। गांधी जी फ्यूनरल राइट्स वर परफॉर्म इन दिल्ली, ग्रीविंग पीपल जॉइन द फ्यूनरल टू पे देयर होम। तो गांधी जी की जो फ्यूनरल राइट्स होती हैं वो दिल्ली में हुई थी, मतलब उनका जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में किया गया और जो दुखी लोग थे उन्होंने जो है इस संस्कार में जो है अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए उनको ज्वाइन किया, मतलब बहुत सारी भीड़ जो है वहाँ पर उमड़ पड़ी थी। रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, लैक्स ऑफ पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। लाखों की संख्या में लोग जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। देयर सेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट सक्सेसफुली। उनको बसाना, उनको काम देना सबसे बड़ा चैलेंज था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सक्सेसफुली हैंडल किया। पीपल वर गिवन एज मैनी फैसिलिटीज एज पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था उनको फैसिलिटीज दी गई। ह्यूज रेफ्यूजी कैंप्स वर ओपन, बड़े बड़े रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए। दे वर नॉट गिवन ओनली शेल्टर एंड फूड बट ऑल्सो लव एंड कम्पेशन, मतलब खाली उनको खाना और रहने की ही सुविधा नहीं दी गई बल्कि उनको प्यार भी दिया गया। उनको एक तरह से ये नहीं किया गया कि तुम हमारे यहाँ आ गए हो। द कॉमन पीपल एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट, जो आम जनता थी और जो ऑर्गेनाइजेशंस भी थी उन्होंने भी सरकार की काफ़ी मदद की। दस दीज पीपल कुड इंटीग्रेट इजिली विद द फेलो इंडियंस, और इसी वजह से ये लोग जो बाहर से आए ये आसानी से जो है अपने इंडियंस के जो बाकी लोग थे उनके साथ एडजस्ट हो पाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म इन 1946 CE। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनी थी 1946 CE में। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसका संविधान लिखा जाए। दिस वर्क कंटिन्यूड अप टू दिसंबर 1949। अब सोचो इसको बनाना कितना मुश्किल काम था कि दिसंबर 1949 तक इस पर काम होता रहा। दस ईच पॉइंट ईच क्लॉज वॉज एक्सटेंसिवली डिस्कस एंड डिबेटेड, हर पॉइंट हर क्लॉज पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, बहुत ज़्यादा उस पर डिबेट हुई। द असेंबली मेट फॉर 11 सेशंस अलॉन्ग विद 166 डेज ऑफ मीटिंग्स। 11 बार जो है असेंबली मिली, सेशंस हुए उसके, और 166 डेज जो है मीटिंग्स हुई। वेरियस कमिटीज एंड सब कमिटीज डिड द वर्क ऑफ करेक्टिंग एंड मेंडिंग डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी अलग अलग कमिटीज सब कमिटीज जो हैं सब काम कर रही थी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा है उसमें जो भी करेक्शंस होने हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, उन पर सब पे ध्यान देना है, वो काम कर रही थी। 300 इंडियंस पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोसेस, 300 भारतीय जो हैं इस प्रोसेस में लगे थे। दो द मीटिंग्स रिलेटेड टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन दिल्ली बट द मेंबर्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द नेशन। कहने को ये जो मीटिंग्स थी, जो भी ये संविधान लिखा जा रहा था उससे रिलेटेड मीटिंग्स दिल्ली में हो रही थी, लेकिन मेंबर्स पूरे देश से आ रहे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब बाबा साहब अम्बेडकर जो थे इनको चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड एंड पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब ये संविधान पूरा लिखा गया, तैयार हुआ और इसे पास किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। फाइनली ये जो लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। दिस वॉज द डे वेन एक्चुअल पावर्स वर विल्डेड टू द पीपल। ये वो दिन था जब सही में जो हैं जो पावर्स हैं अब वो लोगों को दी जा रही थी। दस 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, वेयर एज 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं और 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के। दीज टू डेज वर रिनोन्ड
एज अवर नेशनल फेस्टिवल्स। इन दोनों को जो है हम एक नेशनल फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन रिटायर्ड एंड रिटर्न टू इंग्लैंड। जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन जो है रिटायर हो गए तो वह इंग्लैंड वापस चले गए। आफ्टर हिम सी राजगोपालाचार्य बिकम द गवर्नर जनरल। उसके बाद सी राजगोपालाचार्य जो थे वो गवर्नर जनरल बने। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड। तो लास्ट गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले प्रेसिडेंट बने हमारी कंट्री के। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।